हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ विशाल ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ वीक 4 मार्च। आई होप आप लोग अभी तक जितने भी इस हफ्ते का करंट अफेयर रहा होगा उसको आप लोगों ने फॉलो किया होगा। अभी तक दो तरह के स्टूडेंट जो हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दी प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए, पहली तरह के वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एक स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं फॉर देयर करंट अफेयर प्रिपरेशन। तो उन लोगों को मेरी सजेशन है कि जो आप सोर्स अभी तक करंट अफेयर का पढ़ते आए हो आप उसी के ऊपर फोकस करिए। और जो दूसरी तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेसिफिक करंट अफेयर का सोर्स नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना है क्योंकि वो अभी अभी नए इस प्रिपरेशन के अंदर आए हैं, तो उन लोगों के लिए विद इन वन वीक हम लोग डेली बेसिस के ऊपर जो है करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसान रहे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना। तो चलिए आज का जो क्विज है उसको शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टाइगर रिजर्व के साथ रिलेटेड है, जो कि आपके देश का सबसे छोटे टाइगर रिजर्व्स में से एक है। इसका जो टोटल एरिया है वो आपका 138.12 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सवाल यहाँ पे आएगा कि बताइए शाबाश, ये जो बोर टाइगर रिजर्व्स है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जल्दी से आप लोग जो चैट बॉक्स है उसके अंदर अपना आंसर डालिए। अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हो। देखिए, इसका आंसर आपका है बी, दैट इज महाराष्ट्र। जो बोर टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली आपका वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। अभी थोड़े दिन पहले जो था वो न्यूज़ में आया था, वहाँ से इस करंट अफेयर को पिक किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, दैट इज GIAHS। पहला ऑप्शन इसका है GIAHS इज द इनिशिएटिव ऑफ UNEP। सेकेंड इज कुतानद रीजन इज डेजिग्नेटेड एज GIAHS। और आपको इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आप लोग जो है वो उसको जल्दी से आंसर करिए। जब तक आप इसको आंसर करोगे या अगर आप लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया है तब भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ GIAHS के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो GIAHS है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ओरिएंटेशन है, वो है पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट करना रिगार्डिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या जब वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तब उस तरह से या उस पर्टिकुलर टाइम पे वो किस तरह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे, किस तरह से जो है वो आपके सॉइल इरोजन को रोकेंगे, किस तरह से जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और अपनी गरीबी को रिमूव करेंगे, ये बेसिकली GIAHS प्रोग्राम का मेन ओरिएंटेशन या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो GIAHS के अंदर पूरे दुनिया में जो है वो अलग अलग रीजन्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहां पे इस स्पेसिफिक प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अब ये स्पेसिफिक प्रोग्राम अभी तक हमारे देश में जो है वो कुतानद रीजन में जो है वो आपका एक तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है या GIAHS उसको डेजिग्नेट किया जा चुका है, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको लॉन्च किया है इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करनी है, अवेयरनेस जो है उसको प्रमोट करना है। ओरिएंटेशन मैंने आप लोगों को इसकी बता दी है। देखिए, पहला जो आपका UNEP है, बेसिकली जो GIAHS है ये आपका UNEP का जो इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। तो अगर मैं आपको FAO के बारे में दो तीन और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊं, तो FAO जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका आपका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर और साथ में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो हुई है 1945, तो ऑलमोस्ट उसी ईयर में जब यूनाइटेड नेशन बना था। तो सबसे पुरानी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, जो कुतानद जो आपका केरला में, कुतानद रीजन जो है वो बेसिकली तीन आपकी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है अलापुड़ा, दूसरी है कोटायम और तीसरी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी है पथानामिथिता। क्लियर। तो तीन डिस्ट्रिक्ट्स को जो वो कवर करता है। इनके बारे में जो हमारा एक्सप्लेनेशन है या इसके जो आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस ट्री के नाम से, आप लोगों ने अगर ज्वाइन किया है तो वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को डाउनलोड करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, दैट इज टू ओनली। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे के ऊपर चलते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 201920, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो चलिए आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस हैं, चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई। चलिए आंसर करिए।
देखिए काफ़ी लोग जो है वो चाइना आंसर कर रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में अभी कुछ टाइम पहले जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो बायलिटरल ट्रेड है वो कितने अमाउंट का, कितने पैसों का है, तो इंडिया और यूएसए के बीच का जो बायलिटरल ट्रेड है वो आपका 97.95 बिलियन डॉलर का है, और जो चाइना के साथ इंडिया का बायलिटरल ट्रेड है वो 87.07 बिलियन डॉलर का है। तो अभी चाइना को पीछे छोड़ के यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। क्लियर? तो यूएसए इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सॉवरेन बॉन्ड्स। पहला, ए सॉवरेन बॉन्ड इज अ स्पेसिफिक डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट इन बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसी। सेकंड इज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी विद द इकॉनमी बाय द यूज ऑफ दीज बॉन्ड्स। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से आप शाबाश, इसका आंसर बताइए। जिन लोगों को सॉवरेन बॉन्ड के बारे में नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आसान भाषा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जो गवर्नमेंट है वो मार्केट से डेट रेज करना चाहती है, मतलब पैसा मार्केट से जो वो उधार लेना चाहती है। देखिए लोन और डेट में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। डेट का मतलब क्या रहेगा कि सरकार मार्केट को बोलेगी कि यार मेरे को जो है वो 100 करोड़ रुपीस का डेट चाहिए और मैं आपको जो है वो एक साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा जो है वो आफ्टर 1 ईयर वापस कर दूंगी। क्लियर? या जहाँ पे कभी डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं होता, सरकार पहले भी वापस कर सकती है या सरकार जो है वो डेट मार्केट से कभी भी रेज कर सकती है। मान लेते हैं कि सरकार ने जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ का डेट मार्केट से रेज करना है, उसमें सरकार जो है वो 10% जो है वो मार्केट को दे रही है। अब मार्केट में से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उठी, उसने जो है वो गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपया दे दिया, इसके बदले गवर्नमेंट ने उसको एक सिक्योरिटी इशू कर दी, जिस सिक्योरिटी को हम लोग कहते हैं दैट इज़ योर सॉवरेन बॉन्ड। तो अब ये सिक्योरिटी जब तक मार्केट के पास रहेगी इसका मतलब है कि इसने सरकार को पैसा दिया है और कुछ टाइम के बाद ये पैसा जो है वो उसके पास आएगा जो कि सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसने उधार दिया है, गवर्नमेंट को इसने डेट दिया है। तो सॉवरेन बॉन्ड जो है वो एक तरह से हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में काम करते हैं। क्लियर? तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, आंसर आई थिंक आप लोगों ने बता दिया होगा अभी तक। जो सॉवरेन बॉन्ड है ये बेसिकली यस, ये डेट इंस्ट्रूमेंट ही है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया। देखिए जब गवर्नमेंट ने डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया मार्केट को, तो मार्केट ने उसके बदले गवर्नमेंट को जो है वो 100 करोड़ रुपए का उधार दे दिया, और जो बॉन्ड है वो किसके पास चला गया, तुम्हारा मार्केट के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, इंडिविजुअल के पास आ सकता है। क्लियर? अब जब सरकार इसको इशू करेगी तो सरकार जो करेंसी है वो कोई भी ले सकती है, वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी भी ले सकती है और वो फॉरेन करेंसी भी ले सकती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो सरकार का बैंक होता है, जो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का एक स्पेसिफिक ऑफिस होता है, वो सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे मार्केट में पैसा या बॉन्ड जो है वो इशू किया। अब देखिए गवर्नमेंट ने मार्केट में बॉन्ड को इशू कर दिया, इसके बदले मार्केट ने पैसा उठा के किसको दे दिया, सरकार को दे दिया। तो जब बॉन्ड इशू किया गया उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मनी सप्लाई थी, पैसा जो था वो मार्केट में कम हुआ, क्योंकि वो पैसा किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। अब मान लो कुछ टाइम के बाद सरकार ने जो है वो अपना बॉन्ड मार्केट से वापस ले लिया, अब बॉन्ड जो है वो सरकार के पास आ गया, अब सरकार ने जो प्रॉमिस किया था अब 110 करोड़ रुपया जो है वो सरकार वापस मार्केट में देगी। तो क्या होगा, जब गवर्नमेंट ने उसको इशू किया था बॉन्ड को, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हुई थी, पैसा कम हुआ था, और जब सरकार बॉन्ड को वापस लेगी मार्केट से, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे पैसा जो है वो मार्केट के अंदर आएगा। जैसे 110 करोड़ मार्केट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब है सिंपल सा कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो यही कारण है इसका, या ये जो आपका सवाल है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, आंसर आपका है सी। क्लियर? अगर नहीं समझ आया होगा तो नेक्स्ट करंट अफेयर के लेक्चर में फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में या चैट के अंदर डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, दैट इज मोमेंटम फॉर चेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। देखिए मोमेंटम ऑफ चेंज क्या है, मोमेंटम ऑफ चेंज बेसिकली आपका जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको अचीव करने के लिए, या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, सिटीज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव ले रही है, तो वो अपने इनिशिएटिव जो है वो एक इन चारों ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सबमिट करवाएंगी, फिर वो डिसाइड करेंगे कि किसको अवार्ड देना है। तो आसान भाषा में ये जो आपका मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव है, ये आपका क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड जो आपके एफर्ट्स हैं,
जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एफर्ट्स हैं उनके लिए है, क्लियर है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एफर्ट्स के लिए है। चलिए जावाश फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर आपका है ए, दैट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट। तो ऑप्शन क्वेश्चन 5 ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत आसान सवाल है, मिड डे मील स्कीम के ऊपर है आपका, क्लियर। देखिए क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिड डे मील स्कीम। पहला, मिड डे मील शुड प्रोवाइड 450 कैलोरीज एनर्जी एंड 50 ग्राम प्रोटीन टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी का मतलब होता है 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे। सेकेंड आ गया, मिड डे मील इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम है, एक आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम्स है जहां पे 100% पैसा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और एक आपकी ये वाली स्कीम्स होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जहां पे कुछ पैसा स्टेट लगाती है, कुछ पैसा जो है वो आपका सेंटर लगाता है। तो चलिए आप शाबाश इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा आपका बी। वैसे यहां पे आंसर जो है वो पहले से ही मार्क्ड है, पर चलिए फिर भी थोड़ा सा जो मेरा मेन पर्पस है कि आपको क्वेश्चन के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बी। देखिए मिड डे मील स्कीम के बारे में थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। जो मिड डे मील स्कीम है, और ये भी बताता हूँ कि सेकेंड ऑप्शन, चलिए शाबाश फटाफट आंसर में लिखिए क्योंकि आप लोगों को जो है वो आपका आंसर यहाँ पे मार्क रह गया था। फिर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो चैट है उसके अंदर लिखिए कि क्यों पहला ऑप्शन आपका गलत है और दूसरा ऑप्शन तो ऑब्वियस बात है सही है, तो पहला ऑप्शन गलत क्यों है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो तब तक चैट में आप लोग टाइप कर सकते हो। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिड डे मील की स्कीम के बारे में बता देता हूँ। देखिए यार, मिड डे मील स्कीम जो थी वो रियलिटी में 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आधा शेयर स्टेट का होगा, आधा शेयर जो है वो किसका होगा आपका सेंटर का होगा। 2001 में इस स्कीम को जो है वो फुल फ्लेज्ड लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत स्कूल्स में बच्चों को खाना बना के कुक करके जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। और स्टार्टिंग में ये जो स्कीम थी ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च की गई थी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों का मेरा मतलब है पहली से लेके जो आपके पांचवीं तक के बच्चे हैं सिर्फ उनको। तो उस टाइम पे ये टारगेट रखा गया कि जो आपके प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको कम से कम 300 कैलोरी की एनर्जी देनी है, और उसके साथ साथ 8 से लेके 12 ग्राम तक जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद इसी स्कीम को 2005 में फिर से रिवाइज किया गया, और जब 2005 में स्कीम को रिवाइज किया गया तो ये जो आपका कैलोरीज और प्रोटीन की मात्रा थी इसको बढ़ाया गया। 2005 में कहा गया कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी एनर्जी देनी है और साथ में 12 ग्राम जो है वो प्रोटीन देना है जब भी तुम उनको एक डाइट प्रदान करोगे या प्रोवाइड करोगे। क्लियर? तो 2005 तक ये जो स्कीम थी ये सिर्फ आपकी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए थी। 2007 में इस स्कीम के अंदर जो आपके अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मतलब 6वीं से लेके 6th to 8th के बच्चे हैं, उनको भी ऐड किया गया। और ऐसा कंसीडर किया गया, ऐसा माना गया कि जो आपके अपर प्राइमरी, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तो उनको जो है वो जब फूड प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके अंदर 700 कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए और 20 ग्राम जो है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा प्रोटीन होना चाहिए। तो यहां से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन बोल रहा है 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम प्रोटीन टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन द अपर प्राइमरी। लेकिन ये वाले जो मात्रा 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन की है ये किसके लिए है आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पे? प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। जो आपके अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 700 कैलोरी या 20 ग्राम या 700 कैलोरी एनर्जी या 20 ग्राम आपको प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो आई थिंक मिड डे मील स्कीम के बारे में जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगली स्कीम आपकी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द समग्र शिक्षा अभियान इज और आर करेक्ट। पहला आ गया, समग्र शिक्षा अभियान इज ए प्रोग्राम टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली विदाउट सेगमेंटेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ठीक है, जैसे फिर हायर स्कूल्स, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उस तरह से डिवाइडेड है। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, बताइए कि सही है गलत है। दूसरा आ गया, जो समग्र शिक्षा अभियान है इट वॉज लॉन्च्ड बाई सब्ज्यूमिंग 3 schemes, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। क्लियर? देखिए यार, बेसिकली जो समग्र शिक्षा अभियान है, तब तक आप आंसर बताइए इसका, जो समग्र शिक्षा अभियान है इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है, ये हम पीछे भी कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर के अंदर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। SDG गोल्स जो है वो हम लोगों ने 2030 तक अचीव करने हैं। टोटल आपके 17
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो जो आपके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जो SDG 4 है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल 4 है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो हम लोगों ने फ्री देनी है और क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करनी है। तो उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में जितनी भी तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी एजुकेशन से रिलेटेड, उन स्कीम्स को जो है वो मर्ज किया गया और आपकी समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। इसी के अंदर जो आपके तीनों की तीनों स्कीम्स थी ये भी इस स्कीम के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो सेगमेंटेशन है उसके कारण, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा तो सेगमेंटेशन के कारण तुम लोग देखते हो कि प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, पैसा सरकार की तरफ से ज्यादा आता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए और जो पूरे का पूरा स्कूल है वो एक तरह से, एक ही तरह से पूरे स्कूल को प्री नर्सरी टू ट्वेल्थ एक ही कंसीडर किया जाए विदाउट एनी सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे जो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है वो सही है। इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। चलिए 8th क्वेश्चन, आंसर दीजिए शाबाश फटाफट देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्रोड्यूस दी की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, कौन सी बताती है कि किस किस देश के पास कितने कितने एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। गेस मत करना, जिन लोगों ने ए ऑप्शन टिक किया होगा वो बिल्कुल गलत हैं, जिन्होंने बी टिक किया होगा वो भी गलत हैं, जिन्होंने सी टिक किया होगा वो भी गलत हैं। तो हमारा आंसर है डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। एक्चुअली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो IEA की है, ना कि IAEA की, दोनों में डिफरेंस है। जो आपका IEA है, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्लियर, ये आपकी फॉर्म की गई थी स्टार्टिंग में सिर्फ ऑयल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताने के लिए, बाद में ये बाकी रिसोर्सेज के बारे में भी बता रही है, क्लियर। जो आपकी OECD ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके अंडर जो है वो इस स्पेसिफिक एजेंसी को फॉर्म किया गया है जो हर साल आपकी जो है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स को रिलीज करती है। तो 8th में पहले तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर इसका है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर इसका क्या बनेगा, IEA, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए शाबाश, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस। देखिए यार, ये क्वेश्चन बड़े इनडायरेक्टली बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको नॉर्मल जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड कभी क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे न्यूज में आती है तो वहां से इस क्वेश्चन को जो है वो पिक किया गया है। तो चार ऑप्शन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, HRD एंड कल्चर। आसान सवाल है, आंसर इसका है डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए यार, इसके बारे में बता देता हूं, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी जो है वो टोटल 6 कल्चरल लैंग्वेजेस हैं। ये नॉर्मल जीके का सवाल है। वो 6 कल्चरल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? सबसे पहली भाषा आपकी है तमिल, जो कि 2004 में जिसको कल्चरल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। दूसरी आपकी है संस्कृत, जिसको 2005 में कल्चरल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। नेक्स्ट आपकी है तेलुगु, जिसको आपको 2005 में ही कल्चरल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। फिर आपकी है कन्नड़ा, अगेन उसको जो है वो 2005 के अंदर ही कल्चरल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। उसके बाद आपकी है मलयालम, जिसको 2013 में दिया गया। फिर आपकी है उड़िया, ठीक है, उड़िया को 2014 में जो है वो कल्चरल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। तो इस या क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो है वो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लियर। तो इसका जो रिलीज करता है गाइडलाइंस वो आपकी मिनिस्ट्री है, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 9th आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, इस बार कंपैरेटिवली मैंने करंट अफेयर थोड़ा सा आसान रखा है क्योंकि ईपीएफओ में उस लेवल के क्वेश्चंस थोड़े कम देखने को मिलते हैं। नो डाउट मिक्स लेवल आता है, आसान भी है मुश्किल भी है। अभी तक हमारा करंट अफेयर थोड़ा सा जो था वो अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर था, आज मैंने थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की है ताकि जो बच्चे बिल्कुल फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं वो फैक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे ईपीएफओ में हम लोगों ने फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफी देखे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है, दैट इज वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्वड ऑन। स्पैरो डे मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे बचपन में आप लोग हाउस स्पैरो देखा करते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो कम दिखती हैं या दिखनी बंद हो गई हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए जो है वो स्पेसिफिक डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और इसका आंसर आपका है ए, दैट इज 20th of March। तो ये हमारा जो था वो आज का क्विज था। नेक्स्ट क्विज के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप लोग जो है वो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, हम भी कोशिश करेंगे आपको करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।